सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। प्रीवियस में आपने जो स्टेटस देखा, इस तरीके का स्टेटस अगर आप भी क्रिएट करना चाहते हैं तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और एंड तक देखना। और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, क्योंकि आपको मेरे चैनल पर लेटेस्ट और ट्रेंडिंग टाइटल देखने को जरूर मिलेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आपको हाईलाइट मोशन ओपन करना है, प्लस पे क्लिक करना है, पेन पे क्लिक करना है और रिजोल्यूशन 1080x2340 कर लेना है। उसके बाद क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है, ऑडियो पे जाना है और आपको जिस सॉन्ग का स्टेटस बनाना है उस सॉन्ग का ऑडियो आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे इमेज ऐड करना है, प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है और आपको इमेज ऐड करना है, ठीक है। मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जूम लेयर पे आपको इस तरीके से जूम इन कर लेना है। इस तरीके से आपको यहाँ पे ऊपर इस जगह पे आपको एडजस्ट कर देना है, ठीक है। इस तरीके से आपको एडजस्ट कर देना है। उसके बाद बैक आना है, एंडिंग पॉइंट पे जाना है, इमेज को भी एंडिंग पॉइंट पे लेके आ जाना है, फिर से प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है, फिर से आपको सेकंड इमेज ऐड करना है। मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जूम लेयर पे ना इसको भी आपको इस तरह से जूम इन कर लेना है। मूव में जाना है आपको इस बार, इसको यहाँ पे नीचे एडजस्ट कर देना है, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद बैक आना है, एंडिंग पॉइंट पे जाना है, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना ताकि इमेज भी एंडिंग पॉइंट पे आ जाए। उसके बाद आपको यहाँ पे एक PNG ऐड करना है, प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है और आपको ये वाला PNG ऐड करना है। मूव एंड ट्रांसफॉर्म में ना जूम लेयर पे ना PNG को इस तरीके से जूम इन कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से जूम इन करके सेट कर देना है। इस तरीके से उसके बाद बैक आना है, एंडिंग पॉइंट पे जाना है, PNG को भी एंडिंग पॉइंट पे लेके आ जाना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, PNG को और नीचे वाले जो इमेज है आपको इसको सिलेक्ट करना है और ऊपर जब आपको 3 ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको बीच वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद आपको ग्रुप एंड मास्क पे क्लिक करना है, एडिट ग्रुप में जाना है और इमेज को सिलेक्ट करना है, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आना है, जूम लेयर पे आना है, आपको इस इमेज को इस तरीके से जूम इन कर लेना है, इस तरीके से। उसके बाद बैक आना है तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है, इस तरीके से अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है, ठीक है, इस तरीके से आप एडजस्ट कर लेना। उसके बाद आपका सॉन्ग का जो लिरिक्स है वो आपको सुन लेना है, लिरिक्स जिस मुझे स्टार्ट होता है इस पॉइंट पर आ जाना है, इस तरीके से। प्लस पे क्लिक करना है, टेक्स्ट पे जाना है, आपका जो सॉन्ग का लिरिक्स है आपको लिख लेना है। इस तरीके से उसके बाद लेफ्ट के कॉर्नर पे क्लिक करना है ताकि जो टेक्स्ट है वो सेंटर पे जाए। उसके बाद फॉन्ट्स पे जाना है और आपको ह्यूज स्लाइप फॉन्ट सिलेक्ट करना है। ये फॉन्ट्स मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे दे दिया है, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना तो आपको ये वाला फॉन्ट्स मिल जाएगा। थोड़ा सा ऊपर आप डाउन करेंगे तो आपको ये वाला फॉन्ट्स मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद साइज़ पे जाना है और साइज़ अपने हिसाब से इस तरीके से एडजस्टमेंट कर लेना है, 28 PD कर देना है। और कलर पे जाना है, व्हाइट कलर सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक कर देना है। उसके बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्म मिरर, आपको यहाँ पे इस पॉइंट पे आपको लिरिक्स को यहाँ पे एडजस्ट कर देना है, ठीक है। और थोड़ा सा जूम लेयर पे जाके आपको इस तरीके से जूम इन कर देना है, इस तरीके से। उसके बाद बैक आना है, सुन लेना है लिरिक्स जिस पॉइंट पे एंड होता है उस पॉइंट को चले जाना है और आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, इस तरीके से। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, लिरिक्स पे इफेक्ट देना है, ठीक है। तो आपको एक XML मिलेगा डिस्क्रिप्शन पे, XML पे आपको इंपोर्ट कर लेना है। यहाँ पे हाईलाइट मोशन पे इंपोर्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रोजेक्ट पे जाना है और आपको ये वाला XML मिलेगा, सिंपल से इफेक्ट पे जाना है और कॉपी इफेक्ट कर लेना है। उसके बाद बैक आना है, फिर से न्यू प्रोजेक्ट पे जाना है और आपको लिरिक्स पे आना है, इफेक्ट्स पे जाके पेस्ट इफेक्ट कर देना है, इस तरीके से। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आएगा, आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल है। उसके बाद आपको क्या करना है, सेकंड लिरिक्स लिखने के लिए क्या करना है, फर्स्ट लिरिक्स पे क्लिक करना है, प्लस पे क्लिक करके कॉपी लेयर कर लेना है और सेकंड लिरिक्स जिस पॉइंट से स्टार्ट होता है उस पॉइंट पे आ जाने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल से पेस्ट लेयर कर देना है, ठीक है, इस तरीके से। और वीडियो आपको कंप्लीट देखना है, क्योंकि जो XML उसमें पासवर्ड है तो आपको वीडियो पे पासवर्ड मिलेगा और आप इजीली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लिरिक्स सुन लेना, जिस पॉइंट पे एंड होता है उस पॉइंट पे आपने आने के बाद इस तरीके से ड्यूरेशन पे जाके आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है ताकि बाकी पार्ट ट्रिम हो जाए। और इसी प्रोसेस के साथ आपको क्या करना है, सभी जो लिरिक्स आपको कंप्लीट कर लेना है। कंप्लीट कर लेने के बाद राइट पे कॉर्नर पे क्लिक करना है, हाई रेजोल्यूशन में वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी जरूर करना और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आपको टेलीग्राम पे 2 इमेज और ये जो PNG आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन पे आपको जो टेक्स्ट XML है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।